Hey everyone, welcome to Shrooms IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड टुडे आई एम विद चैप्टर टू ऑफ क्लास ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो चैप्टर टू ऑफ क्लास ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पूरा कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ने वाले हैं. पूरा जितना भी कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा टॉपिक है वो सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली. तो एक कंज्यूमर खुद डिसाइड करता है वो किसी भी मतलब डिफरेंट टाइप के गुड्स में वो कितना स्पेंड करना चाहता है अपने इनकम का. ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो वो एक ना कॉम्बिनेशन बना के चलता है कि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलता है कि जो भी चीज़ें वो कंज्यूम करेगा उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, है ना. तो इसी अप्रोच में हम सेटिस्फेक्शन को पढ़ने वाले हैं दो डिफरेंट उसमें बिहेवियर्स में, विच इज़ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. उसके पहले हम कुछ नोटेशंस और अजम्पशंस पढ़ लेते हैं. ठीक है, एक कंज्यूमर है वो ऑफ कोर्स बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करता है. ठीक है, और सपोज हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना देती है कि सिर्फ दो ही गुड्स है, बनाना एंड मैंगो. ठीक है, तो अब कोई भी पर्सन इन दो को ऐसे कैसे कॉम्बिनेशन में बनाता है कि सपोज वो तीन बनाना और चार मैंगो का एक बंडल बनाता है. ठीक है, तो इस बंडल में उसको लगता है कि उसको ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, अगर वो बनाना की जगह चार और मैंगो की तरह थ्री कर दे फिर भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा. ठीक है, उसके अलावा अगर वो सेवन बनाना और ज़ीरो मैंगो कर दे तो भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. ऐसे जो हम बंडल्स बनाते हैं इनको हम जो हम ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं कि ये हम करेंगे ऐसा करेंगे ये किस तरह से, इसको हम कंजम्पशन बंडल बोलते हैं. ठीक है, या फिर बंडल्स भी बोलते हैं. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी. यूटिलिटी एक वर्ड है जो डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड यूटिलाइज. ठीक है, यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी एक हम यूजली यूटिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को कितनी हमारी मतलब किसी भी कमोडिटी की क्या वॉट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, डैट इज़ यूटिलिटी. कोई भी कमोडिटी हमारी वॉन्ट को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, डैट इज़ यूटिलिटी. ठीक है, सो कोई भी पर्सन को अलग अलग तरीके से अलग अलग कमोडिटी से अलग अलग क्वांटिटी में यूटिलाइजेशन मिलती है. ठीक है, अलग अलग यूटिलिटी मिलती है. सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, जो मीठा ज़्यादा पसंद करता है तो उसको चॉकलेट से काफ़ी यूटिलिटी मिल जाती है. ठीक है, उसको हायर यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम चॉकलेट. बट कोई पर्सन है जिसको मीठे इतना नहीं पसंद, उसको चॉकलेट से एज कम्पेयर टू दिस पर्सन, सपोज दिस इज़ वन पर्सन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, सो इसको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसको हायर यूटिलिटी मिलेगी, जबकि ये पर्सन को इसके कंपैरिजन में लोअर यूटिलिटी होगी, है ना, बिकॉज ये तो मीठा इतना पसंद ही नहीं करता है. ठीक है, सो वैसे ही सपोज अगर हम रेस्ट रूम कोई भी रेस्ट रूम लिया है हमने, उस रेस्ट रूम में हीटर है, रूम हीटर है, वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है और जगह कैसी है ना, समर्स है, विंटर्स है और क्या जगह है, लद्दाख है कि चेन्नई, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं ना. तो यूटिलिटी एनालिसिस को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, विच इज़ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. सबसे पहले हम कार्डिनल डिस्कस करते हैं. कार्डिनल एनालिसिस ये अज्यूम करता है जिसमें हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मतलब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमें कितनी यूटिलिटी हुई, सपोज 2, 3, 5 और 50 कितनी यूटिलिटी हुई हमें एक प्रोडक्ट के कंजप्शन से, ये हम नंबर में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, विच इज़ टोटल यूटिलिटी और TU होता है हमने टोटल नंबर पे कितनी हमें टोटल यूटिलिटी मिली. ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इस मतलब हमें कोई भी प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया, सपोज वेल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडी, हमने एक कैंडी कंज्यूम की, हमें उससे कितना यूटिलिटी मिली, कितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिली, डैट इज़ टोटल यूटिलिटी. फिर आती है मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल
एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू द एडिशनल कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अगर सपोज आपकी टी आपने कोई भी चीज़ आपने कैंडी कंज्यूम की, ठीक है, तो उस कैंडी से आपको टू यूटिलिटी, टू यूटल्स बेसिकली, ठीक है, टू यूटल्स यूटिलिटी मिली। इसका जो यूनिट होता है डेट इज़ यूटल्स, ठीक है, बट आपने एक एडिशनल कैंडी कंज्यूम की जिससे आपको टू मोर यूटल्स यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये जो एडिशनल है, सो इसको और इसको ऐड करके हमारी टोटल यूटिलिटी निकलेगी विच इज़ फोर, बट ये जो टू यूटिलिटी है ये तो एडिशनल है, दिस इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो किसी भी एडिशनल कंजप्शन से हमें जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है डैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस वो करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, देखो जैसे यहाँ पे है हमारा 12, ठीक है, ये है हमारी टोटल यूटिलिटी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी 12 है तो मार्जिनल 12 ही रहेगी। अगर हमारी यहाँ पे देखो, हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे तभी हमें पता चलेगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, है ना। अगर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कितनी एडिशन की। अगर देखो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी फर्स्ट में 12, सेकंड में 18 हो गई, तो अब आपको जानना है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी। तो आप 18 से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ 6, सो 6 इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी जा सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे सपोज यहाँ पे 22, यहाँ पे आपने 24 यूटिल्स आपको यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, और नेक्स्ट कंजप्शन में भी आपको 24 यूटिल्स ही मिल रही है, तो योर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो, राइट। और नेक्स्ट कंजप्शन से जब आपने 6th यूनिट का कंजप्शन किया तब आपको 22 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है विच इज़ नेगेटिव 2, ठीक है, तो यूटिलिटी माइनस में भी जा सकती है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये स्टेट करता है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी का एडिशनल कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन भी कर सकती है, ठीक है। जितना हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा उस बेसिस पर डिक्लाइन भी कर सकती है। जैसे सपोज मान लो आपको चॉकलेट खानी है, ठीक है, आपको लगता है कि आपके पास 5 यूनिट्स आप चॉकलेट की कंज्यूम कर सकते हो, तो आपकी टोटल तो आपको जितनी यूटिलिटी चाहिए, जितनी आपकी यूटिल्स यूटिलिटी नीडेड है, जितनी सेटिस्फेक्शन नीडेड है, वो आप 5 यूनिट्स में कवर कर सकते हो। अब आप 5 यूनिट्स में कवर करोगे तो जब आप 6th यूनिट खाओगे ना तो आपका मन थोड़ा भरने लग जाएगा, है ना। होता है ना ऐसा कि जब आप ज़्यादा ही मीठा खा लेते हो तो फिर आपका वो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जाना लग पड़ता है ना, वैसी। तो अगर सपोज 5 यूनिट से आपको 2 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो इस 5 यूनिट तक आपके पास 10 यूटिल्स हो जाएगी, बट जब आप ये 6th यूनिट कंज्यूम करोगे तो वो -2 में चली जाएगी, बिकॉज दिस इज मोर एडिशनल, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। इतने में ही हमारा जो है वो यूटिलिटी यहाँ पे जीरो में, जीरो के लेवल में आ गई है। इसके अलावा अगर हम और कंज्यूम करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो, द क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय इज एबल टू अफोर्ड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम इज कॉल्ड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। एक पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी प्रोडक्ट को, अगर सपोज कोई भी इंडिविजुअल है उसको किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, उसको वो चाहिए और वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है, उसको उसको खरीदने की इच्छा भी है और उसकी इनकम भी उसको अलाउ करती है, ठीक है, तो डैट इज़ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। और जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कंज्यूमर का इनकम कितनी है, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, डिमांड वैसे ही डिमांड एक मिनट डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व उसी इसी डिमांड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटीज हम कितनी कमोडिटी की कितनी कमोडिटी एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, ठीक है, और कितना खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, कितने डिमांड है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे है डिमांड कर्व, सो अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वो बताता है कि अगर किसी भी
प्रोडक्ट का रेट कम होता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर हायर प्राइस है तो लोग उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्सिव रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के गुड्स के, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे जब दिस वन इज़ फॉर प्राइस एंड दिस वन इज़ फॉर क्वांटिटी, ठीक है। सो जब 50 है किसी भी कमोडिटी का रेट 50, तो उसको अराउंड 0 लोग खरीद रहे हैं। जैसे वो 40 होता है, इट्स 5% 5 क्वांटिटी उसकी बिक रही है। जब वो 20 में होता है तो 30 कमोडिटी बिक रही है, और 10 में जब उसका प्राइस जाता है तो 55 कमोडिटी बिक जाती है। सो दैट इज़ कि कैसे प्राइस की डिक्रीमेंट में क्वांटिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, दैट इज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या है कि हम नंबर्स नहीं रैंक देते हैं। ठीक है, कार्डिनल में विल गिव द नंबर्स और ऑर्डिनल में हम देते हैं रैंक। यूजुअली हम रैंक ही देते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करो तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलते हो कि मुझे 2 यूटल्स यूटिलिटी हुई या फिर 10 यूटल्स यूटिलिटी हुई। हम यही बोलते हैं ना कि हाँ ये अच्छा था, ये ज़्यादा, ये बुरा था, इससे मेरी सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फैक्ट्री था, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। हम रैंक दे देते हैं, अच्छा बुरा बेस्ट वर्स्ट ये हम दे देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इधर पे हम IC के बारे में पढ़ने वाले, विच इज़ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। द पॉइंट्स, यहाँ पे देखो एक ग्राफ है जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है बंडल्स जो कंज्यूमर बंडल्स बनाता है ताकि उसको इक्वल यूटिलिटी मिले। ठीक है, सो देखो दिस इज़ फॉर मैंगोज एंड दिस इज़ फॉर बनानास। सो अगर कोई भी एक, ये है एक फर्स्ट बंडल इज दिस वन, द ए इज़ द बंडल जिसमें 15 मैंगोज और 1 बनाना है, तो ये इक्वल, ठीक है, ये इक्वल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देगा अगर ये सेम कंज्यूमर अपने बंडल को चेंज करके 12 यूनिट ऑफ मैंगो और 2 यूनिट ऑफ बनाना कर दे तो भी इसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर वो 10 मैंगो करके 3 बनाना कर दे तो भी सेम, और 9 मैंगो करके 4 बनाना कर दे तो भी उसको सेम ही सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और इस ग्राफ, जब हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके इसके ऊपर कर्व बनाते हैं जो कर्व दिखाता है डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ बंडल्स डैट कैन बी मेड बाय अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, दिस इज अ कर्व, सच अ कर्व जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द बंडल्स अमंग द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा किसी भी कंज्यूमर को। ठीक है, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सो हियर अब अगर हम देखेंगे MRS के बारे में, MRS क्या है? MRS है एक रेट जो कि एक कंज्यूमर सब्सटीट्यूट करके देता है। अगर वो बनानास को मैंगो, अगर वो बनानास को सब्सटीट्यूट करता है मैंगोस की जगह, तो मतलब उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, और उसका जो रेट होगा दैट इज़ द MRS विच इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, MRS का जो फॉर्मूला है दैट इज़ चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x, y एंड x आर कमोडिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो बनाना इज़ ऑफ x क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैंगो इज y। ठीक है, तो इधर हम x और y का एग्जांपल ले रहे हैं एज बनानास एंड मैंगोस। सो इधर हम देखें तो बनाना की क्वांटिटी में जो चेंज है वो 1111 का ही चेंज है ना, इनमें 1-1 का ही तो डिफरेंस है। और इनमें अगर हम देखें तो जब हम 12 और 15 का देखें तो डैट इज़ 3 एंड 3 इज़ टू 1 बिकॉज इनका डिफरेंस 1 है और इनका डिफरेंस है 3। सो द MRS इज दैट इज़ 3:1। ठीक है, और अगर हम वैसे ही सी में देखें तो इट इज़ 1:2 एंड 1:1। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ MRS टू फॉल विद द इंक्रीज इन क्वांटिटीज ऑफ बनाना इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर MRS की जो टेंडेंसी है वो फॉल हो रही है क्योंकि हम बनानास की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, डैट इज लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हम देखते हैं शेप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है?
ये मेंशन किया जा सकता है, ये मेंशन होता है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो इंडिफरेंस कर्व को कन्वेक्स कर देता है टू द ओरिजिन, जहाँ से उसका ओरिजिन है उसको कन्वेक्स कर देता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसके परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश नहीं होता है जब एक परफेक्ट सब्सटीट्यूशन अवेलेबल होता है, ठीक है। विल टेक एन एग्जाम्पल, सपोज 5 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन और नोट है, ठीक है। अब देखो 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसका एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो सकता है ना 5 रुपीज़ का नोट, बिकॉज अगर 5 रुपीज़ का कॉइन हो या नोट हो, कॉइन हो या नोट हो, इसमें कोई खास फर्क तो पड़ता ही नहीं है, है ना। वैसे ही यहाँ पे हम देखिए कि हम कितना नोट्स का सेक्रीफाइस करें कि हमें कॉइन्स मिले, सॉरी कितना कॉइन्स का सेक्रीफाइस करें कि हमें और नोट्स मिले, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर हम इधर देखें तो इनमें डिफरेंस है 1 1 1 1, और इधर भी 1 1 1 का ही डिफरेंस है। सो दिस इज इज समथिंग MRS, ठीक है। सो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर हमें जितना हमें 5 रुपीज़ का जितने हमें 5 रुपीज़ के नोट चाहिए उतना हमें 5 रुपीज़ के कॉइन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इंडिफरेंस मैप, सो दिस इज कॉल्ड, हाँ यहाँ पे देखो, जिसमें कंज्यूमर्स की सारे प्रेफरेंस सारे बंडल्स के ऊपर दिखाया जाता है, जिसमें सारे बंडल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, डैट इज समथिंग इंडिफरेंस कर्व, अभी हमने डिस्कस किया, तो ये सारे बंडल्स को शो करता है दिस इज। और इसमें कुछ फीचर्स है इंडिविजुअल कर्व इंडिफरेंस कर्व के, कि इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ स्लोप करता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं इसको स्लोप करता, ये राइट टू लेफ्ट स्लोप करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिफरेंस कर्व होगा, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा यूटिलिटी का लेवल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 10:1, यहाँ पे जो यूटिलिटी का लेवल है वो है ये, ठीक है। अभी तो देखो इधर जो मैंगोस है उसका रेट, उसका क्वांटिटी तो वो है ना स्टिल है, बट बनानास का रेट करता बनानास का हो जाए वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हाई होता जा रहा है। तो इस पॉइंट में जिसमें सबसे ज़्यादा आईसी है इंडिफरेंस कर्व 3 में, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहीं मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स हैं हमारे पास, 3 बनानास और 10 मैंगोस है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्टरी रिजल्ट्स तो IC3 में ही आएगा, है ना, सॉरी, ओके। सो दो डिफरेंट इनडिफरेंट कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखो सपोज ये है मैंगोस, ठीक है, और ये है बनानास, तो जब ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इधर जो भी वो है वो आईसी कर्व, मतलब वो सेम कोई भी आईसी कर्व ना वो मतलब दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि जितना हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलता हो इन दोनों से, तो हमें अलग अलग सेटिस्फेक्शन ही मिल रही होगी ना। अगर इसमें चेंज भी देखने को मिलता है क्वांटिटीज़ में, तो यहाँ पे देखो अगर एक कर्व ऐसे जाएगा तो दूसरा उसके ऊपर ही जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ से मैंगोज है और इधर है बनानास की वो बढ़ती जा रही है ना, तो इंटरसेक्ट करने का तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। सो यस, अब हम जो अगली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर बजट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कंज्यूमर बजट होता क्या है, कोई भी पर्सन का कितना कितनी कितना वो स्पेंड कर सकता है, अपनी इनकम का कितना वो स्पेंड कर सकता है किसी भी दो गुड्स में, ठीक है। कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जो है वो मतलब जितना उसका मार्केट में रेट होगा और जितनी उसकी सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ खरीद सकता है, राइट। तो उसकी अगर इनकम फिक्स है और प्राइस जो दो गुट का है वो भी फिक्स है, तो वो कोई भी कंज्यूमर कितना अफोर्ड कर सकता है वो उसकी इनकम से या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए, राइट। अगर उससे ज़्यादा होता ऑफकोर्स वो तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। सब हम पढ़ते हैं बजट सेट्स एंड बजट लाइन। बजट सेट में क्या है, बजट सेट में जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बंडल्स कैसे बनते हैं, उन्हीं बंडल्स का बहुत सारा कलेक्शन होता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ बंडल्स
डाटा कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस इज बजट सेट, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहे हैं और जो उस कंज्यूमर की इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो कितने बजट सेट्स बनाता है, उन सॉरी कितने बजट बनाता है, सॉरी कितने बंडल्स बनाता है, उन बंडल्स का कलेक्शन को हम बजट सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बजट सेट और बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन ना एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होती है और एक वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, देखो मैं ना आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज आर बजट लाइन, ये हमारा बजट लाइन है, क्योंकि देखो हम जो जितना ज़्यादा जो मैक्सिमम हम कंज्यूम कर सकते हैं, डेट इज 10:0 और 0:5, इन ये जो चीज़ें हैं इनकी इनके अंदर की जो सारी चीज़ें आएंगी दिस अंडर दिस लाइन इस बजट सेट। ठीक है, और इस मतलब इसके अंदर जो भी है वो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, बट इसके बाहर का कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब बजट सेट के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, बट इसके बाहर की कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, सो यस, और अब हम पढ़ते हैं चेंजेस इन बजट सेट। बजट सेट में चेंजेस क्यों होते हैं? देखो हमने बंडल्स तो कितने सारे अवेलेबल बंडल्स है, ठीक है, उस वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो प्राइस क्या है, उन गुड्स का प्राइस क्या है और इनकम क्या है कंज्यूमर की, है ना। अगर किसी भी गुड का प्राइस या फिर इन कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो बंडल्स में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। सपोज अगर किसी की अभी तक 100 रुपीज़ का इनकम थी, ठीक है, तो वो 100 रुपीज़ के अंडर अंडर जितनी चीज़ें आती थी उतनी कंज्यूम कर सकता था, बट उसकी सैलरी बढ़ करके 200 रुपीज़ हो जाती है, तो उसका जो बजट है वो इंक्रीज होगा, तो उसकी जो बजट सेट है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा और उसके जो बंडल्स है उनमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, राइट। सो इन चेंजेस की वजह से हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अगर सपोज कि प्राइस बढ़ जाता है या फिर वो कम हो जाती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाती है या फिर इनकम में कमी आ जाती है, तो हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें कमी होगी, और अगर ज़्यादा होगा, अगर प्राइस में कमी और इनकम में इंक्रीमेंट है, तो वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंगोज की चेंज में मैंगोज और बनानास की चेंज प्राइस में जो चेंज होगा या फिर कंज्यूमर की जो इनकम है वो अनचेंज है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम और बनाना की प्राइस अनचेंज है, बट मैंगो के प्राइस में चेंज है, तो हमें बजट सेट्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो मैंगो का प्राइस तो फिक्स है, बट बनाना के प्राइस में अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो शिफ्ट में भी चेंज देखने को मिलेगा हमें, वो डिपेंड करता है कि बनाना का प्राइस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिमल ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। बजट सेट में सारे बंडल्स होते हैं जो कि एक कंज्यूमर के पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक कंज्यूम किया जाता है कि एक कंज्यूमर चूज करता है अपने कंजप्शन बंडल को ऑन द बेसिस ऑफ उसका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है बजट सेट में। ठीक है, इसके अलावा इन पॉसिबल बंडल में से उसको कौन सा सबसे ज़्यादा सूट करता है, उसका प्रेफरेंस किसके ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम जनरली अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर एक रैशनल इंडिविजुअल होता है, व्हिच इज रैशनल, रैशनल मतलब जिसको पता है, जिसको क्लियरली पता है कि उसको क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ कंज्यूम करनी है, उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है, वो हमेशा अपने लिए बेस्ट ही खरीदेगा, है ना, बट एक कंज्यूमर अवेलेबल बंडल में से एक एक अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक चीज़ एक बंडल सेलेक्ट करके रखता है जिसको उसको लगता है कि वो सेटिस्फैक्टरी भी है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी उसको मिल जाएगा। ठीक है,
अगले सेक्शन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो बजट सेट है वो डिस्क्राइब करता है बंडल्स जो कि कंज्यूमर के पास अवेलेबल है और उसकी प्रेफरेंस उन उन बंडल्स के ऊपर इन रेफरेंस मैप के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, द ऑप्टिमम वर्ड वुड बी लोकेटेड ऑन द बजट लाइन, जो एक ऑप्टिमम पॉइंट है। ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होता है? सपोज दिस इज द सॉरी दिस इज द ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व और दिस इज योर बजट। वेट अ मिनट, दिस इज योर ग्राफ और ये है आपका आईसी और ये है आपका बजट लाइन, ठीक है, एंड दिस इज योर आईसी। ठीक है, जिस पॉइंट में आईसी और डिमांड बजट लाइन मैच करेंगे डेट विल बी योर ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है, जो कि बेस्ट हो सकता है, उसमें सारे प्रेफरेंस को कवर किया जा सकता है और वो प्रेफरेंस मोनोटोनिक हो सकता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, कंज्यूमर उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। हेयर दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डिमांड। डिमांड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या किस क्वांटिटी में कोई भी किसी भी कमोडिटी की क्या क्वांटिटी को जो कंज्यूमर खरीद सकता है और खरीदना चाहता है अपने टेस्ट और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हैं, डैट इज डिमांड। ठीक है, बट डिमांड का हम लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड मतलब द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर के जो ऑप्टिमल चॉइस है और गुड की क्या क्वांटिटी और उसकी क्या प्राइस है, वो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बन करके आता है, डैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब नॉर्मली सोचो कोई भी चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है, जब उसका रेट कम होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो ऑप्टिमम चॉइस में फिट होता है ना, तभी इनकी रेट बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है, राइट। सो हियर जब हम इस डिमांड फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डैट इज नोन एज डिमांड कर्व। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जनरली ये नेगेटिव ही होता है। द अमाउंट ऑफ गुड डेट कंज्यूमर वुड, मतलब ये ना देखो, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि डिमांड किसी भी चीज़ की डिमांड और उसका प्राइस नेगेटिवली रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर जितना प्राइस कम होगा उतनी डिमांड ही इंक्रीज होगी, अपार्ट फ्रॉम सम ऐसे कुछ ऐसे गुड्स जिन पे ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती है। ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। अब देखो हम कैसे इंडिफरेंस कर्व से बजट लाइंस भी सॉरी बजट कंस्ट्रेंट्स हम पता कर सकते हैं, कि सपोज ये है हमारी इंडिफरेंस कर्व है ना, ये इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो ऑप्टिमम चॉइस है उसको भी हम वो बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, हमारी बजट बजट सेट बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, द नेगेटिवली स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ टू इफेक्ट्स, नेमली सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन है, किसी भी चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या फिर इनकम में क्या चेंज है, उससे भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से डिमांड कर्व एक्ट करता है। ठीक है, अगर बनाना के प्राइस कम होते हैं तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर बनाना के रेट कम होता है तो कंज्यूमर बनाना खरीदेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करता है कि सब कुछ इक्वल है तो जो डिमांड है और जो प्राइस है वो नेगेटिवली रिलेटेड होता है। अदर वर्ड्स में हम देखें तो कमोडिटी की जो प्राइस है वो तभी, अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड गिर जाएगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स में। अगर हम डिमांड का और किसी भी गुड्स की डिमांड और प्राइस को डिस्कस करें, उसकी स्टडी करें रिलेशन, हमें हमें कंज्यूमर हमें ना कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी पड़ती है, जैसे कंज्यूमर की डिमांड और इनकम। उसके अलावा हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, द क्वांटिटी डैट अ कंज्यूमर चूजेस इंक्रीज एंड इनकम कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एट द कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेज इज नोन एज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब अगर किसी भी सपोज कोई पर्सन है, उसकी
इनकम इंक्रीज कर रही है तो वो उसकी उसकी डिमांड भी इंक्रीज करेगी, और इनकम इनकम डिक्रीज कर रही है तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी। ध्यान देना, इनकम ठीक है, रेट नहीं, प्राइस का, कमोडिटी का प्राइस नहीं, एक कंज्यूमर की इनकम ठीक है। जबकि इन्फीरियर गुड्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड तब बढ़ती है जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम पड़ जाती है ठीक है। ऐसा तब होता है जैसे सपोज अगर सैलरी खत्म होने वाली है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंज्यूमर की, तो वो उन उन गुड्स को खाएगा जो लो क्वालिटी होती है ठीक है। वो लो क्वालिटी फूड आइटम्स यूज़ करेगा जैसे कि कोर्स सीरियल, और जो सस्ते मिल जाए ठीक है। कोई भी गुड्स कभी एज ए नॉर्मल गुड एक्ट कर सकता है कुछ कंज्यूमर्स के लिए, और कुछ कंज्यूमर्स के लिए वो जो है इन्फीरियर गुड्स भी यूज़ कर, इन्फीरियर गुड्स बन के भी आ सकता है। जैसे सपोज विल टेक एन एग्जाम्पल, एक कंपनी है सपोज दिस इज अ फर्म ठीक है। इस फर्म का जो टॉप लेवल है और लोअर लेवल है ठीक है, मिडिल लेवल हम नहीं इंक्लूड करें, तो उस टॉप लेवल के लिए वो यूजुअली क्या खाएंगे? सपोज इफ विल टेक एग्जाम्पल, वो मोस्टली खाना खाएंगे या फिर वो कुछ ऐसा खाना खाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होगा। फॉर विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ठीक है, मैं इंटरनेशनल कुजीन बोल लेती हूँ कि वो इंटरनेशनल कुजीन खाते हैं ठीक है। बट जब उनके पास सैलरी नहीं होती तब वो जाके कहीं इंडियन कुजीन में कुछ, सपोज विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राजमा चावल खा लेते हैं ठीक है। बट हम लोअर लेवल की बात करें तो उनके लिए राजमा चावल एक ऐसी चीज़ होगी जो कि सुपीरियर होगी ठीक है, जो कि वो तब खाएंगे जब उनके पास इनकम होगी, तब वो उनके लिए नॉर्मल गुड होगा। और कुछ ऐसे सपोज वो कभी सूखी रोटी खाएंगे जब उनके पास इनकम नहीं होगी ठीक है, सो द सूखी रोटी विल बी द इन्फीरियर गुड्स फॉर देम, जबकि टॉप लेवल के लिए राजमा चावल इज गोना बी द इन्फीरियर गुड्स। इसीलिए कोई कोई भी गुड कभी इन्फीरियर और कभी नॉर्मल जैसा एक्ट कर सकता है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्या होते हैं ठीक है। गुड्स जो कि कम्प्लीमेंट्री, वो गुड्स होते हैं जिनको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, एक साथ कंज्यूम किया जाता है मतलब जैसे चाय है ठीक है, टी है, सो टी के साथ हम शुगर भी यूज़ करते हैं ठीक है। अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाता है तो टी की डिमांड में भी डिक्रीमेंट हो सकती है, हो सकती है ठीक है। जैसे शूज़ एंड सॉक्स है, विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोल एंड कार ठीक है। अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है, नहीं नॉट कार बट पेन एंड इंक ठीक है, अगर इंक के रेट बढ़ जाता है, इंक का रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोग इंक वाले पेन यूज़ करना प्रिफर ही नहीं कर रहे। अब लोग सोच रहे हैं कि इंक वाले पेन यूज़ करने से अच्छा हम पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह से इंक की रेट, इंक का अमाउंट बढ़ने से पेन की भी डिमांड में फ़र्क पड़ सकता है ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के कॉन्ट्रास्ट में सप्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स जो कि बिल्कुल भी साथ में नहीं कंज्यूम किए जाते, विचार बिल्कुल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो ठीक है। जैसे टी है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टी की जगह कॉफ़ी को रिप्लेस किया जा सकता है ठीक है। अगर बॉल पेन का प्राइस बढ़ जाता है तो जेल पेन के प्राइस, जो जेल पेन है उसकी डिमांड बढ़ सकती है ठीक है। सो ये है इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट। हम पढ़ते हैं शिफ्ट इन डिमांड को। डिमांड कर्व एक अजम्पशन के अंदर ड्रॉ किया जाता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है और जो अदर गुड्स है और प्रेफरेंस है वो सब कुछ गिवन है ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज होती है और जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है ठीक है, तो भी हमें डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर इंक्री अगर जो इनकम है उन उसमें चेंज है और प्राइस में चेंज आ जाता है तो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है ठीक है। अगर हमें ऐसे देखने को मिलता है कि अगर नॉर्मल गुड्स है तो डिमांड कर्व का जो शिफ्ट होगा वो राइट फॉरवर्ड होगा, और इन्फीरियर गुड्स के लिए लेफ्ट फॉरवर्ड ठीक है। द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंजेस, रिलेटेड गुड का प्राइस तब चेंज होता है, द डिमांड ऑफ द गुड्स एट ईच लेवल ऑफ इट्स प्राइस चेंजेस एंड हेंस इट देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड। जब किसी भी गुड है ठीक है, कोई भी रिलेटेड गुड है, उसका चेंज, उसकी प्राइस में चेंज होता है तो उस गुड के भी हर लेवल में चेंज देखने को मिलेगा डिमांड में ठीक है। सो
डिमांड को में और भी जो शिफ्ट है वो देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जैसे हर साल ना नया फैशन सेंस निकल आता है तो पुराना वाले तो लोग भूल जाते हैं, इसके लिए जब टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तो भी डिमांड में फ़र्क देखने को मिलता है। उसके अलावा प्रेफरेंस चेंज हो जाती है कंज्यूमर की, कंज्यूमर को जो अगर ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट वार्ड शिफ्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करता है लैक वर्ड लेफ्ट वर्ड, इसका मतलब है अनफेवरेबल चेंजेस है, जैसे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में चेंजेस है। जैसे अगर एग्जांपल ले आइसक्रीम का, ये आइसक्रीम समर्स में और विंटर्स में तो फ़र्क पड़ सकता है ना, समर्स में डिमांड ज़्यादा होती है और विंटर्स में कम। सो हियर इज़ द ग्राफ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में हम बेसिकली जितने हमारे फर्म हैं उनका एडिशन करके ये पता कर सकते हैं या एवरेज निकाल के ये पता कर सकते हैं कि हमारी मार्केट डिमांड क्या चल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज करते हैं एक मार्केट जिसमें सिर्फ दो फर्म्स है। ठीक है, तो उसका मार्केट, उसका जो मार्केट वो होगा डिमांड, जो उसके मार्केट डिमांड होगी वो क्या होगी। यहाँ पे हम इससे पढ़ते हैं, देखो कंज्यूमर एक, ये है कंज्यूमर ए, तो उसका जो प्रोडक्शन लेवल है पर वीक वो है ये, ठीक है, कैंडीज का है। और कंज्यूमर बी का जो पर वीक क्वांटिटी है वो है दिस, समथिंग लाइक दिस। तो वेट अ मिनट, इसका जो मार्केट डिमांड है वो कुछ इस तरह का बन करके आएगा जिसमें ए और बी को ऐड करके मार्केट डिमांड का निकाला जाएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में चेंजेस, डिमांड में अगर हम थोड़े चेंजेस कर सके डैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, किसी भी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द गुड, ऑफ द पर्टिकुलर गुड। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है डैट इज़ बेसिकली परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं सिंस डिमांड फॉर अ गुड कैन बी नेगेटिव रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो परसेंटेज चेंज है वो है दिस, एंड परसेंटेज चेंज जो मार्केट प्राइस में है वो है 40। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा डैट इज 0.5। ठीक है, तो 0.5 इज द प्राइस इलास्टिसिटी। सो यस, अगर प्राइस इलास्टिसिटी भी एक वेरी कर सकता है 0 to infinity। ठीक है, अब अगर हमारी जो डिमांड कर्व है और जो हमारी चेंज है डिमांड में डेट इज जीरो, इसका मतलब है कि वर्टिकल डिमांड कर्व बनेगा विच इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, और अगर इन्फिनिटी है तो एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनेगा विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक। सो हियर चेक दिस आउट, यहाँ पे देखो ये वर्टिकली बन रहा है तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी में चेंजेस हो सकते हैं, प्राइस तो एक, मतलब क्वांटिटी एक ही है बट प्राइस डिफर कर रहा है, इसका मतलब है कि परफेक्ट विटामिन है ना, कि अगर जितना भी चेंज हो जाए प्राइस, जितने भी प्राइस में चेंज हो जाए क्वांटिटी तो वही रहेगी। अब इधर प्राइस वही है बट क्वांटिटी में चेंजेस है। ठीक है, सो दीज वर द टू एस्पेक्ट्स। अब नेक्स्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड, किसी भी प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कितनी अवेलेबिलिटी है सब्स्टिट्यूट्स की, कितनी अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा कितनी नेसेसिटी है, फिर अगर वो लग्जरी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसके अलावा कितनी मतलब लग्जरी है या फिर उसकी नेसेसिटी कितनी है, इस बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी एक्सपेंडिचर, द प्राइस ऑफ द गुड एंड डिमांड फॉर द गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, क्या प्राइस है और क्या डिमांड है ये नेगेटिवली रिलेटेड होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंसीडर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड इफ द परसेंटेज डिक्लाइन इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स विल गो डाउन। मतलब किसी भी गुड का प्राइस ज़्यादा है और उसका जो उसकी जो मतलब
उसकी जो वो है क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए वो अगर ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर में फ़र्क देखने को मिलेगा, कि अगर डिमांड डिमांड कम है और रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कम ही एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, उसके उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और परसेंट अगर जो क्वांटिटी है वो कम है और जो परसेंटेज जो प्राइस में जो परसेंटेज इंक्रीज होगा उससे एक्सपेंडिचर में उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो ऊंची हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम देखें, नाउ कंसीडर अ डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द गुड इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्राइस, द एक्सपेंडिचर विल ऑफ द गुड विल गो अप। और अगर हम देखें जो परसेंटेज है वो परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्राइस, द एक्सपेंडिचर विल गो डाउन, ठीक है। सो हेयर इट इज इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।